टिकटों के ऐलान से पहले टीएमसी ने इस बीच एक और बड़ा विकेट लग रहा है टीएमसी में गिरने वाला है। बंगाल के सीनियर लीडर टीएमसी सांसद और शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। टीवी 9 भारत वर्ष की ये एक्सक्लूसिव खबर। अभिषेक उपाध्याय ने शिशिर अधिकारी से बात की है, उन्होंने बताया कि जहां उनका बेटा है वहां वो भी जाएंगे। शिशिर अधिकारी का ये बड़ा खुलासा टीवी 9 भारत वर्ष पर पहली बार। दादा आपका एक स्टैंड जानना था, आप टीएमसी में रहेंगे या आप बीजेपी की ओर जाने का इरादा कर रहे हैं? बीजेपी की जाने वाले करता है, जब होकर देखा जाएगा। लेकिन आपको जाना है बीजेपी? जाना है तो दादा मतलब जहां शुभेंदु अधिकारी के आप भी वहीं जाएंगे? अच्छा, तो कई लोग आप मुझे धक्का मार के उधर भेज देता है। कौन दादा धक्का मार के भेज देता है आपको? कौन धक्का मार के भेज देता है आपको? हमको भेज देता है टीएमसी से भागो बीजेपी में। ये कौन कह रहा है? ये टीएमसी वाला बोल रहा है। अच्छा, टीएमसी वाला कह रहा है आपसे? किसकी इशारे पर ये अनएथिकल लैंग्वेज आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है? ये तो हम लोग तो पुराना पॉलिटिशियन है। अस्सी साल उम्र क्रॉस कर लिया है। हम लोग राजनीति किया है। अभी हम लोग नहीं देखा। अभी हम लोग नहीं देखा ये लोग क्या चाहता। ये जो एंटी डिफेक्शन है नहीं, तो लॉक खुल के देखेगा उसमें जो मर्जी बोलेगा। ये तो हम कभी नहीं देखा। हम नहीं जाता है। तो आपने क्या सोचा है दादा? कुछ तो आपने सोचा होगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। कुछ नहीं सोचा है। स्टेटस को अभी तो हम लोग दिल्ली नहीं जाने सकता है। नहीं, उसके बाद डॉक्टर से एडवाइज करेगा, हम लोग दिल्ली जाएगा, जरूर बातचीत करेगा। दादा इंजेक्शन लेने के बाद आप दिल्ली जाएगा और फिर बीजेपी से बातचीत करेगा आप? नहीं, हम नहीं बोलते अभी भाई। अच्छा, अभी हम उसको बात कुछ बात नहीं बोलते। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, हम गेट आउट मार जाओ ये सब बोलता है, क्या करता है। दादा कभी आपने बात करने की कोशिश नहीं की ममता दीदी से इस बारे में? वो तो बात कौन करेगा। हम एक सीनियर लीडर है। मुझे कभी हमारा नाम पकड़ के नहीं बताता हूँ। एक्चुअली हम चुपचाप है देखता है। तो आपको 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 ममता दीदी ने कोई फोन किया नहीं तब से अब तक? नहीं, कोई बात नहीं की आपसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मतलब दादा आपको सब लोगों ने एकदम अकेला छोड़ दिया है पार्टी में? हाँ। और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। प्लॉट तैयार हो चुका है, कबूलनामा सामने आ चुका है। शिशिर अधिकारी किसी भी वक्त बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात अभिषेक ये कि मनाने की कोई कोशिश भी नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने कोई फोन भी नहीं किया शिशिर अधिकारी को? बिल्कुल, ये बात वाकई ध्यान देने वाली बात है कि शिशिर अधिकारी जी जो बातें कह रहे थे उनका ये कहना था कि मैं बहुत ही पुराना लीडर हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लोग पुश कर रहे हैं, यानी कि मुझे लोग फोर्स कर रहे हैं कि बीजेपी की ओर चले जाओ, अनएथिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मतलब जो अपमान किया जा रहा है वो बात वो बयां कर रहे थे कि मेरा अपमान किया, बजाय इसके कि मुझे बात करने के या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए ये मान लिया गया है कि मैं बीजेपी की ओर चला जाऊँगा और मेरा अपमान किया जा रहा है। और ये एक उन्होंने पूरा रास्ता बताया है कि क्या हो रहा है और वो अब आगे क्या इरादा रखते हैं, ये उन्होंने एकदम साफ कर दिया है। समीर, बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।